प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से हिमाचल सरकार को 29 सितंबर उद्घाटन के लिए प्रस्तावित तारीख तय कर दी गई है। 29 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल रोहतांग टनल का प्रस्तावित उद्घाटन करेंगे। इस 3200 करोड़ की टनल बनने से लाहौल स्पीति से मनाली की दूरी 47 किलोमीटर कम हो जाएगी। ऐसे में बर्फबारी के दौरान अब लाहौल स्पीति को 6 महीने बंद का दंश नहीं झेलना पड़ेगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडे ने बताया कि मनाली पूर्वी लद्दाख की सीमा में चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच 29 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल यानी 28 अगस्त को टनल का निरीक्षण करेंगे। टनल बनने से लेह तक पहुंचने के लिए सेना को 12 महीने आसानी होगी और लाहौल घाटी भी शेष विश्व से जुड़ी रहेगी। लंबे अंतराल के बाद 3 जून 2001 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केलंग पहुंचकर रोहतांग टनल का उन्हें विधिवत घोषणा किया था। उसके बाद सासे पहुंच के उन्होंने 82 करोड़ रुपए आपका सोलंग नाला से लेकर धुंधी तक जो रोड के लिए बजट का प्रावधान किया और सारे फॉरेस्ट क्लियरेंस होने के बाद 2010 में इसका काम शुरू हुआ। और अंतोगत्वा आज भारतवर्ष के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 29 सितंबर का हमें डेट दिया, टेंटेटिव डेट दिया है कि 29 तारीख को आएंगे और टनल का उद्घाटन करके जो है इस टनल का नाम आदरणीय मोदी जी ने इसका नाम जो है अटल रोहतांग टनल रखा है, अटल जी के नाम पे रखा है, रोहतांग टनल का नाम रखा गया है। इसका उद्घाटन होगा, ये बहुत बड़ा सौगात लाहौल स्पीति के लिए, जिला के लोगों के लिए, पांगी के लिए और लद्दाख के लिए। इसका बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।